नवनीत हॉस्पिटल में एक ऐसे क्रिटिकल केस का उछाल किया जिसमें मरीज को पीठ पर रीढ़ पर ट्यूमर हो गया था, जिसका इलाज काफी महंगा और गंभीर था। बता दें कि मरीज रीढ़ के ट्यूमर की वजह से पैंट में पेशाब हो जाना, चोट लग जाना और पैर सुन्न हो जाना पता भी नहीं चलता था, जिसकी वजह से वो कई तरह की बीमारियां उसको बढ़ती जा रही थी। मरीज का इलाज बनारस के BHU में किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर से ऑपरेशन के खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे, जिससे मरीज को एक एम्स अस्पताल दिल्ली में रेफर किया गया, जहां डॉक्टर इलाज करने में हिचकिचा रहे थे और मरीज को ऑपरेशन के बहाने आजकल अपडेट दे रहे थे और एक साल तक मरीज को हॉस्पिटल का चक्कर लगवाते रहे, जिससे परेशान होकर घर वालों ने मुंबई के नवनीत हॉस्पिटल में संपर्क किया, जहां नवनीत डॉक्टर के कुशल डॉक्टर कई दिनों के इलाज के बाद ऑपरेशन किया, जिससे ऑपरेशन सफल रहा और मरीज आज अच्छे से काम करके चल फिर पा रहा है। हम सिंधौरा से हैं, यूपी के वाराणसी के सिंधौरा से हैं। हम BHU में अपना जांच करवाए थे, वहाँ पे MRI वगैरह सब निकला था, उसके बावजूद वहाँ मेरा जांच नहीं हो पाया, तो फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे आशीष सूरी की देख रेख में मेरा हो चल रहा था, तो वहाँ पे वो डेट के डेट देते बढ़ाते जा रहे थे। 7 मार्च को डेट मिला था और जब 7 मार्च को जब मेरा सब टोटल पूरी जाँच हो चुकी थी, उसके बावजूद जब अमित सर इनके आशीष सूरी सर से जब मिले हम, तो आशीष सूरी सर बोल रहे हैं कि होली के बाद कॉल करेंगे। होली के बाद जब गए हम तो बोल रहे हैं कि नहीं, उनका आपका कॉल जाएगा। और ऐसे ऐसे मेरा बहुत टाइम बीत गया और फिर वेदांता में गए। वेदांता में बहुत हाई फाई डिमांड हुआ पैसे की, तो किसी तरीके से वहाँ से फिर यहाँ हम आए हैं बम्बई में नवनीत हॉस्पिटल में, और यहाँ के बहुत अच्छी मतलब मेरी इलाज हो गई। अब हम चल फिर रहे हैं अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर लोगों की और यहाँ के स्टाफ के और नवनीत हॉस्पिटल की बहुत मेहरबानी है कि हम आज एकदम ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है और आराम से चल फिर रहे हैं, एकदम बहुत बैठ जा रहे हैं। बोलिए भी राजेश कुमार यूपी के बनारस से आए, हमारे लड़के का लड़की हड्डी में जो है कि गड़बड़ी की ट्यूमर होने के कारण मैं जो है कि अपना बेच गया तो पेशाब जांच एक्सरे जांच में 2-3 महीना का समय लग गया, कोई बेनिफिट मुझे नहीं, मैं ऊपर को उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद में मैं प्राइवेट में दिखा तो MRI करा, उसमें जो कि ट्यूमर निकला, मैं दिल्ली चला गया। कुलवंत से मिला तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने में जो कि विकलांग हो जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है, आप PGI जाइए या तो एम्स जाइए। मैं एम्स चला गया, वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स जो कि इनसे क्या आशीष सूरी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। उन्होंने डेट मुझे दिया 7 अप्रैल का। मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स DD सब जमा करके, जब ब्लड वलड सब जमा करके कार्ड जमा किया तो उन्होंने कहा कि होली बाद में आप आइएगा, कॉल करूँगा, आप पर ऑपरेशन हो जाएगा। होली बाद में लड़का हमारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन का पैसा नहीं, लड़की बात करने का नहीं रहता। फिर भाई हमारे लड़के दोनों जगह दिल्ली गए, वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि होली पर जो है 15 जुलाई के बाद ऑपरेशन होगा। ऐसे करते करते मेरा 8 महीना का समय गुजर गया, रोग मेरा बढ़ता चल गया। हमारे गाँव के जो कि सुनील भाई मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आइए हमारे यहाँ जो कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा 100%। मैं यहाँ पर आया, अब मेरा ट्रीटमेंट लड़के का हुआ, मेरा लड़का स्वस्थ है। मैं यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी सबको जो कि धन्यवाद देता हूँ, सबका एहसान। पेशेंट को रीढ़ की हड्डी के ऊपर गांठ थी L-spine में, और उसका इलाज जो और उनको जो अनकॉन्शियस जैसा था पूरा, उसको यूरिन वगैरह पास होता था तो मालूम नहीं पड़ता था, टॉयलेट वगैरह पास हो जाए मालूम नहीं पड़े। एक बार वो कहीं जल गया था, वो भी उसको पता नहीं चला कि मेरा शरीर कहीं जल रहा है, और एक पाँव में भी जान नहीं थी, जैसा लकवा हो जाता है उस तरह का हो गया था। तो बनारस के थे हमारे मैनेजर सुनील सिंह है, वो भी बनारस के हैं, और एम्स में उन्होंने ट्राई किया था, एम्स वालों ने बहुत लंबा टाइम दिया था और खर्चा भी काफ़ी वहाँ बताया था, तो हमारे यहाँ होगा क्या ऐसा उनके रिलेटिव ने पूछा, तो हमारे यहाँ हो जाएगा, आप लेके आइए पेशेंट को, ऐसा सुनील सिंह ने बताया। तो यहाँ लेके आए हमारे डॉक्टर माउरे साहब हैं, न्यूरोसर्जन हैं, उन्होंने देखा कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी था, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया। पेशेंट को आज छुट्टी मिल रही है, अभी वो बनारस जाने वाले हैं और काफ़ी उनकी तबीयत अच्छी है, और सब जो भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है और अभी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। नवनीत हॉस्पिटल में गरीब और कुछ लोगों को फ्री में इलाज किया जाता, और जो पेशेंट एफोर्ड करने लायक नहीं रहते उनको भी आपकी तरफ हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, जो हमारा एरिया जो दहीसर में है हॉस्पिटल हमारा, एक नाला सोपाला है, डोंबिवली है, तो ज़्यादातर गरीब बस्ती यहाँ रहती है, तो पैसे की दिक्कत रहती है,
तो कुछ माने में हम कम करते हैं, हमारा चार्ज भी वैसे बाहर से 1/3 है, कहीं 1 रुपया बाहर लगता है तो हमारे यहाँ 30 पैसा ही लगता है। उसके अलावा भी काफ़ी हमारे डोनर भी हैं, जो हम डोनरों से भी कहीं से उनको अरेंजमेंट करवा देते हैं। हमारा मेडिकल स्टोर है, वहाँ से भी हम काफ़ी कंसेशन रेट में मेडिसिन उनको देते हैं पेशेंट को। लेकिन आज तक हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आए हैं, जो 3 महीने के बच्चे का दोनों आँख में कैटरेक था, नासिक से आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसका भी इलाज हमारे यहाँ फ्री में हुआ था। फिर 6 महीने का एक बच्चा भिवंडी से आया था, उसको दोनों आँख में कैटरेक था, वो भी फ्री में हुआ था। एक लड़की अभी MP से आई थी, उसको टॉयलेट पास होने की जगह ही नहीं थी, 1.5 साल की लड़की थी, पेट में का वो ट्यूब लगा के उसको अपना टॉयलेट पास हुआ था, होता था। हमारे यहाँ करीब 2 लाख का उनका खर्चा हुआ, कम करने के बाद भी वो टोटल हमने उनको फ्री करके दिया। खाली दवा का पैसा उन्होंने अरेंजमेंट किया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास, डायलिसिस के भी 100 मशीन है, बाकी सारे कैंसर के ऑपरेशन, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नी वगैरह का सर्जरी बाहर जिसका 3 लाख रुपया लगता है, वो करीब हमारे यहाँ 1,10,000 1,15,000 में हो जाता है। तो ये गरीबों के लिए ये हॉस्पिटल बना है और काफ़ी कंसेशन रेट से करते हैं, और डोनरों को भी रिक्वेस्ट करते हैं तो गरीब पेशेंटों के लिए डोनर भी पैसा पेशेंट के नाम पे देते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो देती है पैसा, वहाँ से भी हम अर्जी करवाते हैं तो वहाँ से भी पैसा आता है और पेशेंट का काम हो जाता है।